छत्तीसगढ़ में 17 जून को प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर प्रदेश में बार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के साथ कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि पीएससी आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहीं रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का पलटवार सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह पहले बीजेपी के कार्यकाल को देख लें। वहीं उन्होंने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग बेहतर काम कर रहा है। घोषणा पत्र में जो वादा था और एक विषय जो उससे महत्वपूर्ण है वो है बेरोजगारों के संबंध में। बेरोजगारों के गली गली में फॉर्म भराए गए। आज मैं कहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो छोड़िए, 10 लाख नौजवानों को वादा किया था, फॉर्म भरा के वादा किया था, 2,500 रुपया देंगे हर महीने, 2,500 रुपया देंगे। युवकों ने भरोसा किया, वो तो नहीं हुआ। नौजवान आज मजबूर होके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। नौकरी का वादा किया था 1 लाख नौकरी, 2.5 साल में बताएं तो कम से कम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल सरकार रही है, उन्होंने तो जो योग्यता भी नहीं रखते ऐसे लोगों को भी कई पदों पर प्रतिनियुक्तियां करते रहे हैं, मगर 15 साल उनके कार्यकाल को देख लीजिए कैसे अधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति की है। जो बाहर से व्यक्तियों को जो यहाँ का प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दी गई थी, तो डॉक्टर रमन सिंह को अपने कार्यकाल का भी संज्ञान लेना चाहिए, अपने कार्यकाल भी देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे लोगों को नियुक्तियाँ दी है।